दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 ऐसे कॉइन्स की जो आपको इस मंथ में और आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है उसमें एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं। मतलब अगर हम इस टॉप 5 कॉइन की लिस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट यहां पर 3 कॉइन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो मीम कॉइन्स है और 2 ऐसे कॉइन है जो मीम कॉइन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनका जो प्राइस है अभी काफ़ी डाउन में और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की मूवमेंट इनके इकोसिस्टम में देखने को मिल रही है, ये कॉइन्स भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। इन पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकते। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले कॉइन की ओर जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, इस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, वो है डॉज कॉइन। ये एक मीम कॉइन की कैटेगरी में आता है और प्राइस अगर हम देखें 0.07 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और लास्ट 24 आवर्स में भी 0.67% अभी ये डाउन में। मार्केट रैंक 9 है और वॉच लिस्ट अगर हम देखें लगभग यहां पर 16,72,000 मतलब 1.6 मिलियन के आसपास है। और इसको खरीदने का यहां पर एक रीजन है कि इनकी जो टीम है, डेवलपमेंट टीम है, वो यहां पर लगातार फंड रेस करते हुए नजर आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमें यहाँ पर डॉज कॉइन के इकोसिस्टम में देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर हाई की बात करें, जो हाई इसने क्रिएट किया था कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एलोन मस्क का जो सपोर्ट था वो देखने को मिला था ट्विटर इंटीग्रेशन के बाद, उसके बाद से अगर आप देखें ऑलमोस्ट यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो हाफ हो चुका है। मतलब 0.15 को ये हिट करके आया हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.07 की रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पर आप इस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अगर बाय करना है तो 0.06 और 0.07 के बीच में आप यहाँ पर इसमें ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। इसके अलावा आते हैं दोस्तों अगले कॉइन की ओर, ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना करते हुए, वो है शिबा इनू कॉइन। शिबा को परचेस करने का सबसे बड़ा रीज़न है जो अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है शिबेरियम को लेकर कि शिबेरियम बहुत जल्द यहाँ पर रिलीज होगा। मतलब अगर हम जनवरी की बात भी करें, जनवरी या फरवरी के बीच में कोई ना कोई यहाँ पर डेट जो है वो अनाउंस हो सकती है। जैसे ही डेट अनाउंस होगी यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो शिबा पर इसलिए भी अब पड़ने वाला है क्योंकि इनकी जो टीम है शिबेरियम नेटवर्क है उसने ये क्लियर कर दिया है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो शिबेरियम के नेटवर्क पर होगा उसके थ्रू शिबा इनू कॉइन को बर्न किया जाएगा। तो हम जो इंपैक्ट है वो शिबा के प्राइस पर देखेंगे क्योंकि सप्लाई यहां पर लगातार रिड्यूस होगा और अभी ये ट्रेड कर रहा है 0.00008 के लेवल पर। अगर हम यहां पर लास्ट 1 मंथ की बात करें 7.8 के लेवल को ये हिट करके आया हुआ है। आईएनआर में अगर बाय करना चाहते हैं तो 0.00065 का जो लेवल है वो एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पर सपोर्ट है जहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब 60 से लगाकर 65 का जो लेवल है इस बीच आप यहां पर इसमें ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो प्राइस मूवमेंट है वो देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। और अभी भी अगर आप देखें शिबेरियम नेटवर्क की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद भी ज्यादा पंप देखने को नहीं मिला है। मतलब ये एक ऐसा कॉइन है जिसमें जो पंप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है 10-15% का और ऐसा जो पंप है वो बहुत जल्द हम यहां पर इस कॉइन में भी देख सकते हैं। मार्केट रैंक 16 है, वॉच लिस्ट लगभग यहां पर 1.8 मिलियन के ऊपर है। इसके अलावा एक और कॉइन जिस पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए जो शिबेरियम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है, वो है बोन, जो शिबा स्वैप का कॉइन है। मतलब शिबा के इकोसिस्टम का ये काफी इंपॉर्टेंट टोकन जो आने वाले टाइम में एज अ गैस फीस यूज होने वाला है शिबेरियम के नेटवर्क में। अभी ये ट्रेड कर रहा है $1.08 पर, लास्ट 24 आवर्स में 2.26% डाउन में, मार्केट रैंक 121 है। इसे आप किस प्राइस रेंज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं? अभी भी अगर हम देखें यहां पर शिबेरियम की अनाउंसमेंट हुई है, डेट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो इसमें जो मूवमेंट है वो हमें अभी भी देखने को मिलने वाला है। मतलब प्राइस अगर आप देखें $1 के अंडर अगर आपको ये मिलता है तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहां पर 1.09 पर चल रहा है और अगर हम लास्ट 24 आवर्स में देखें कहने के यहां पर ये $1.11 को हिट करके आया हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा जैसे ही यहां पर शिबेरियम की कोई डेट अनाउंस की जाएगी, तो इस कॉइन पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कॉइन की ओर जो है LUNC। वैसे ये एक मीम कॉइन नहीं है लेकिन जिस प्रकार से प्राइस अभी आप देखेंगे मीम कॉइन्स की तरह ही प्राइस इसका भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही इसको खरीदने का एक रीजन है इसकी कम्युनिटी जो लगातार इसके सपोर्ट में आ रही है, इसे बर्न करने की कोशिश कर रही है। मार्केट रैंक 14 है, वॉच लिस्ट अच्छी खासी है, लगभग 10 लाख से ऊपर है। इसके अलावा अगर हम प्राइस रेंज देखें यहाँ पर 0.00015 के लेवल पर है, ज्यादा कुछ मूवमेंट लास्ट 24 आवर्स में देखने को नहीं मिला है। $1-2 का लोवेस्ट लेवल यहाँ पर इसने हिट किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पर $0.00018 हाईएस्ट लेवल है जो हिट करके आया हुआ है। तो अगर आपको ये लगभग यहाँ पर $1-2 के आसपास मिलता है जिस रेंज पर अभी है उससे थोड़ा और डाउन में जाए तब आप इसमें एंट्री ले, तो आप इस कॉइन में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है क्योंकि टेरा क्लासिक की अगर हम बात करें कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है टेरा क्लासिक की और इस वजह से यहाँ पर इसमें जिस प्राइस पर अभी है कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट हम ये कॉइन में से देख सकते हैं। इसके अलावा अगला कॉइन जिसे आप यहाँ पर रख सकते हैं जो मीम कॉइन की कैटेगरी में आता है वो है फ्लोकी।
फ्लोकी की अगर हम बात करें, कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो डेवलपमेंट टीम है वो लगातार इसकी मार्केटिंग करते हुए नजर आ रही है। अभी भी अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन पर ये अवेलेबल नहीं हुआ है। इंडियन एक्सचेंजेस पर भी आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, INR के पेयर में वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी है। और जब यहाँ पर बुल रन देखने को मिला था ऑल कॉइंस और मीम कॉइंस में जो पंप देखने को मिला था उसमें फ्लोकी अगर आप देखें टॉप गेनर बना हुआ था लास्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं फ्लोकी भी यहाँ पर एक अच्छी चॉइस हो सकती है। किस प्राइस रेंज पर बाय करना है अभी की अगर हम बात करें, 0.000076 डॉलर पर ये ट्रेड कर रहा है, लास्ट वन मंथ का लोवेस्ट लेवल है। 10 को ये किल करके आ गया था लेकिन फिर से यहां पर इसी रेंज पर आ चुका है जो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहां पर लास्ट 3 मंथ की बात भी करें तो 3 मंथ में भी आप देख सकते हैं यहां पर 0.000006 और 7 का जो लेवल है, तो यहां पर अगर आपको एंट्री लेना है तो 7 और 6 का जो लेवल है उसके बीच में आप यहां पर इस कॉइन में भी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। दोस्तों ये टॉप 5 ऐसे कॉइंस थे जिनमें आने वाले टाइम में जो मूवमेंट है वो देखने को मिलने वाली, क्योंकि इनके इकोसिस्टम में जो डेवलपमेंट है वो यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो एंट्री प्राइस आपको थोड़ा यहां पर ध्यान में रखना और थोड़ा रिसर्च एनालिसिस आप खुद भी कर लीजिए, उसी के बाद किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।